आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लाइडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। मौजूद नाजरीन, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इस साल मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के नाम से एक नई कमेटी तश्कील पाई और इस कमेटी के तमाम अराकीन ने मिलकर ये तय किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस निकलेगा। उसकी तारीख बरोज़ इतवार यकुम अक्टूबर मुताबिक 15 रबी अव्वल तय पाई है। 12 बजे दिन तारीखी मक्का मस्जिद से जुलूस का आगाज़ होगा, जो गुलजार रोस पत्थरगट्टी मदीना बिल्डिंग छत्ता बाजार मंडी मीर आलम रोड एतबार चौक से होता हुआ मोहल पर पूरे पर अख्ताम को पहुँचेगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश ये की जाएगी कि कब्ल नमाज असर जुलूस का अख्ताम हो जाए और इस जुलूस में हर साल जो जो तंजीमें शामिल रहती थी वो तंजीमें भी शामिल रहेंगी। मरकजी मिलाद कमेटी के जिम्मेदार उन तमाम तंजीमों से रबते में हैं और इनके अलावा भी दीगर नए कई तंजीमें हमारे से रक्त पैदा किए हैं जो इस जुलूस में शामिल होने वाले हैं। इनके अलावा भी काफ़ी कसीर तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुलूस में मौजूद रहेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि यह शहर हैदराबाद की तारीख का एक मुनफरिद और मिसाली मिलाद जुलूस रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इसमें पैगाम में मोहब्बत व अमन को आम किया जाएगा। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना आपके अहादीस शरीफा को के प्ले कार्ड्स के जरिए उम्मतुल मुस्लिमीन के अलावा बरादरान वतन तक भी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना को पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला कमेटी के अराकीन मिलकर इस जुलूस को के कामयाब इनेकाद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शुक्रिया। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم معزز مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے عہدیداران و ذمہ داران و مشائخ الزام و علماء دین اور معزز مختلف چینل سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات الیکٹرانک اوپنٹ میڈیا آج یہ پریس کانفرنس حضرت علامہ مولانا سید شیخ احمد شتاری صاحب قبلہ المعروف کامل پاشا صاحب و معتمد مرکزی میلاد جلوس کمیٹی مولانا سید خادم ولی الدین جنید پاشا صاحب، سیف باخری صاحب، احمد عبدالحق خان صاحب، مولانا مرشد پاشا خادری صاحب، مولانا سلطان احمد صاحب، مولانا عرفان اللہ نوری صاحب، سیف انیس ملت اور ہمارے ہردل عزیز، تو ہمیشہ سے جو جلوس کی ابتدا ہے اس کے ایک سرگرم تنظیم کے جو ہے سربراہ ہمارا عبدالعزیز خان صاحب کا ہے اور جملہ تشریف فرما حضرات۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حسنین پاشا قبلہ جوائنٹ کنوینر سید آل رسول حسنین پاشا قبلہ برادر عزیز اور جملہ تشریف فرما مشائخ نظام، اگر کسی کا نام مجھ سے چھوٹ پا رہا ہے تو پھر ہمارے صدر صاحب ان کو مخاطب کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا شجاعت الدین افتخاری صاحب قبلہ جو ہماری تنظیم کے جو ہے سرگرم محرک سربراہ وردہ شخصیت ہیں، تو یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دنوں سے عوام الناس بلکہ بالخصوص اہل سنت الجماعت کے جو ہے عشاقان، جو اہل سنت الجماعت اور میلاد پاک کے جشن منانے والوں میں ایک قسم کی تشویش پائی جا رہی تھی کہ مرکزی یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ محبت شہ زیشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد پاک کا جلوس نکالا جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تاریخ آپ تمام کے سامنے عرض کروں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں قائدین مجلس جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب
और जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का दिल की गहराइयों के साथ में शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी बेबाक क़ियादत और नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह यह जुलूस मुमकिन और तय पाया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार 15 रबीउल अव्वल को मिलाद जुलूस निकलेगा। मज़ीद तफसीलात कन्वीनर जुलूस जनाब हाफिज़ मुजफ्फर साहब आप तमाम के सामने बयान करेंगे। रूट और वक्त का तायुन इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब से आप सुनेंगे। और तमाम उशाखा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी ये जुलूस बड़े ज़ोर और शोर के साथ नज़्म और सब्र के साथ इंशाअल्लाह निकाला जाएगा। तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 12 रबी नूर है के बाद मैंने 15 रबी नूर की शब में इंशाल्लाह जरूर निकलिए। जो अपने शायन शाम एहतमाम करते थे जश्न बनाने का, वैसे एहतमाम इंशाल्लाह करेंगे। ये गुजारिश है नौजवानों से खास तौर से। नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़बान से लाख कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहब्बत शहर से। हर साल की तरह इस साल भी देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लाइडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।